हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बिजनेस कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन हैव बीन ऑफ द टू पार्टीज इन सो ऑफ द पोजीशन इन बाउंड ऑफ द कम्युनिकेशन। जब दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं और जो उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो उन्हें आप कहते हैं बैरियर। इन बैरियर का एक ज्वाइंट वीडियो हम देंगे। आज हम आपको बैरियर के फर्स्ट स्टेप फिजिकल बैरियर को बताएंगे। ये अलग अलग दी जाएगी, फिर इसके हम एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ज्वाइंट बैरियर्स बताई जाएगी। फर्स्ट आपके लिए है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जैसे ही आप फिगर से ही देख सकते हैं, दो कम्युनिकेशन टू पर्सन ऑफ द कम्युनिकेशन हैव बीन इन मिडिल टाइम, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हम एक दूसरे से कर सकते हैं वो अनअंडरस्टूड, समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं। मशीनरी की आवाज आती है, शोरगुल अधिक होता है, या एनी हाउ रीजन इन प्रैक्टिकली आपको बैरियर्स उत्पन्न होती है, जो नॉइस होती है, इम्प्रॉपर टाइम आप समय से नहीं करते हैं, फिजिकल डिस्टेंस दोनों के बीच में दूरियां होती है, इंफॉर्मेशन ऑफ द ओवरलोड, जब वर्क का लोड, जैसे नेट पर भी आपको मेल अधिक आ जाती है तो वो मेल ओवरलोड होने के नाते स्पैम में चली जाती है, गैस्ट्रस डिस्ट्रक्शन के अंतर्गत, जिसमें हम कलर के आधार पे, नेचर के आधार पे, उनकी ड्रेस के आधार पे हम कम्युनिकेट करते हैं। अगर वो चीजें नहीं हुई तो उस पर हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं जिस आधार पर हम वर्क करते हैं। तो ये आपके लिए आता है फिजिकल बैरियर। फर्स्ट आपके लिए आता है फिजिकल बैरियर इन द सो ऑफ द नॉइस। आपने आवाज देख रही है, जब टू पर्सन आपस में कम्युनिकेशन करती है तो वहां पर एक दूसरे की बात लोग एक फ्री कम्युनिकेट होके सुन नहीं सकते हैं, या फ्री कम्युनिकेट ब्लॉक रिसीव इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ द परफेक्शन इन दी। जैसे आप कोई भी मशीनरी फैक्ट्री है तो फैक्ट्रियों की आवाज हो रही है, मशीन फोटो कॉपीज की आवाज हो रही है, टेलीफोन की पुअर कनेक्शन है, मोबाइल में भी कनेक्शन प्रॉब्लम होती है, इनकरेक्ट ऑफ द टाइप होती है, टीवी में भी आवाज हमारी रुक रुक करके आती है, या टीवी का साउंड अधिक होने के नाते दो पर्सन आपस में जब प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं तो वो बेटर देन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप वर्क करते हैं तो इंटरफियर दैट अक्वायरेंस सिग्नल दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम हियरिंग साउंड प्रॉपरली, मेंटल डिस्टरबेंस एग्जांपल आपके लिए होती है, जिसके लिए ईगो होता है, हैंड्स अप होती है, डिस्ट्रैक्शन अटेंशन होती है, जिसके कारण दोनों में कम्युनिकेशन की बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आपके लिए आते हैं इम्प्रॉपर टाइम। आप फिगर से भी स्पष्ट है, जब हम किसी भी व्यक्ति को बात करने के लिए बुलाते हैं, जैसे हमने इम्प्रॉपर टाइम जूम मीटिंग का एक प्रॉपर समय रखा हुआ है, अब वो समय बीतने के बाद आप मीटिंग में रिप्रेजेंट हुई है, तो ये नहीं है कि आपका लोगों को सुनने के लिए इंतजार करेंगे, क्योंकि जब टाइम समाप्त हो गई तो मीटिंग पे ऑल मेंबर अपने अपने वर्क पर चले जाए। तो जो भी कम्युनिकेशन का फिक्स प्रॉपर टाइम इन आपके लिए, मैंने टेलीफोन से, व्हाट्सएप से, वीडियो कॉलिंग का जो प्रॉपर टाइम दी गई है, उस प्रॉपर टाइम पर आपको वर्क करनी पड़ेगी। उस प्रॉपर टाइम पे आप वर्क करेंगे तभी होगा। उस प्रॉपर टाइम बीतने के बाद यदि आप कम्युनिकेट करते हैं तो वह कम्युनिकेट कंप्लीट नहीं होगे, इनकम्प्लीट बैरियर होती। रेस्टोरेंट स्टाफ नर्सिंग चेंज ऑफ द कर्टन, जैसे स्टाफ नर्सिंग वगैरह का हॉस्पिटल में वर्क है, अगर उस टाइम पर आप वहां नहीं पहुंचे तो वो अपने वर्क से चली जाएगी, तो वहां पर आपका कम्युनिकेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपके लिए फिजिकल डिस्टेंस। दो व्यक्तियों को आपस में बात करने के लिए, कम्युनिकेट होने के लिए बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत कितनी दूरी होनी चाहिए, ये स्पष्ट आपके लिए इंटीमेट
प्रॉक्सिमिक्स के अंतर्गत दी गई है, जिसमें इंटीमेट स्पेस प्राइवेट लैंग्वेज में 2 फीट से आपके लिए 1 फीट, 2 प्रॉपर डिस्टेंस टू 1 मीटर का होना चाहिए। पर्सनल स्पेस के अंतर्गत आपके लिए 2 फीट इन डिस्टेंस 4 फीट की होनी चाहिए। पब्लिक स्पेस लैंग्वेज के लिए आपके लिए 2 फीट से 12 फीट तक की डिफरेंस होनी चाहिए। इस डिफरेंस से अगर प्रॉपर डिफरेंस अधिक है, प्रॉक्सिमिक्स में बताया, तो अगर उससे अधिक है तो एक दूसरे की बात हम जब कहेंगे तो अगला पर्सन उसको सुन नहीं सकता है, जिसमें इंप्रॉपर दूरियां बनी रहती है। तो यह एक बैरियर, मैसेज का बैरियर, अंडरस्टूड एक्सेप्ट द प्रॉपरली एक्शन अपॉन मैसेज और नॉट इफेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन। जब प्रॉपर रूप से सुनेगा नहीं तो कम्युनिकेशन करना संभव नहीं है। इनप्रॉपर टाइम नॉइस ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द सराउंडिंग। नेक्स्ट स्टॉप के लिए आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जैसे आप देखते हैं काम का ओवरलोड अगर अधिक होती है, वर्क ओवरलोड, तो हम ये काम करें वो काम करें कि वो करें, और एक पॉइंट प्रेशर बना रहता है, टाइमली हमारा कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं होता। उसी प्रकार से कम्युनिकेशन में भी जब आपका इंफॉर्मेशन की लोड बनी होती है, जैसे नेट पे मेल हम अधिक भेज देते हैं तो वो स्पैम में जाके पड़ी रहती है, तो अब इसके नीचे हम इसके मेल के लेटर को हम इग्नोर आप दी लेटर करने लगते हैं, जो इंफॉर्मेशन की जाती है, जो आपके लिए इग्नोर इंफॉर्मेशन, डू नॉट कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन बिकॉज एन ओवरलोडिंग। गैस्ट्रोसियस डिस्ट्रैक्शन या एक हमारे बिहेव आचरण नेचर पर डिपेंड करता है, तो इसके आधार पर हम कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं तो ये इसका भी हमारे लिए बैरियर्स उत्पन्न होते हैं, जिससे इस टाइप के कम्युनिकेट होने पर अगर इस टाइप का फिगर आपके लिए इस्तेमाल करते हैं तो वह आपके कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है, दोनों को एक दूसरे से दूरी रहती है। नाउ आर दी वोमेन इक्वली वर्किंग दी मैन ऑफ दी कॉमन ऑफिस। जैसे आप होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपके ड्रेस कोड भी आपके कम्युनिकेशन करते हैं, या ड्रेस कोड आपके लिए रिसेप्शनिस्ट जो आपके लिए होती है, अब आपके लिए वेटर को बुलाते हैं, वॉचमैन को बुलाते हैं, मैनेजर होता है, तो एक होटल में सबके ड्रेस कोड अलग अलग है। आपको जो आवश्यकता हो ड्रेस कोड के आधार पे आप कम्युनिकेट करके गेस्टोरिसस पर्सन से अपनी बात कह सकते हैं। दिस इज क्लियर ऑफ द पोजीशन। तो ये आपके लिए फिजिकल बैरियर उत्पन्न होती है। फिजिकल बैरियर, फिजिकल वॉइस जब शोर होती है तब आपके लिए होता है। इम्प्रॉपर टाइम बीतने के बाद कम्युनिकेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। फिजिकल डिस्टेंस अगर मैक्सिमम दोनों की दूरी प्रॉक्सिमिक्स में बताई गई उस दूरी से अधिक दूरी पर बैठ के बात करते हैं तो कम्युनिकेट हमेशा एक दूसरे की लिस्टेनिंग नहीं रही। इंफॉर्मेशन ओवरलोड होती है, अधिक ओवरलोड होने के नाते वर्क कर सकते हैं गेस्टोरस की जब कलर्स हम अट्रैक्शन करते हैं और उसका टाइम बीत जाता है। तो आपने इसकी फुल वीडियो देखी, थैंक सो मच। आप अपने इस चैनल वी कामी लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।